वैष्णव जन को प्रणाम। गुरुदेव के चरण वैष्णव वृंद संत वृंद के चरणों में प्रणाम। सदगुरुदेव संत वैष्णव की कृपा से कल तक हम मुक्ता चरित्र ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे। इससे पहले हमने एक प्रेम पत्तनम नामक ग्रंथ का रस पत्तनम रसमय सिद्धांत ग्रंथ था और मुक्ता चरित्र तो रसमय ग्रंथ। उसके बाद आप सभी से सम्मति से आज श्री विदग्ध माधव नाटक रसास्वादन करेंगे। यह ग्रंथ रूप गोस्वामी प्रभु द्वारा हम आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी उनके द्वारा लिखा गया है। यह नाटक शैली लिखा इसके बाद उन्होंने एक और लिखा है विदग्ध माधव ललित माधव। इनकी विषय अध्ययन से पता चलेगी यद्यपि इसके तीन संस्करण छप चुके और दास द्वारा संपादन प्रूफ रीडिंग सारा कुछ लेकिन मस्तिष्क में विषय वस्तु नहीं है तो दो चार दिन पढ़ने के बाद इसकी विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी और इसका हम सभी लोग आनंद लेंगे और ठाकुर की लीलाओं का दर्शन करेंगे। यह नाटक शैली में लिखा है यद्यपि जो कल विश्राम हुआ मुक्ता चरित्र भी नाटक तो नहीं वो डायलॉग थे उसमें और नाटक में परिवेक्षक आएंगे अभिनेता आएंगे उन्हें ऐसा है अंतर प्रकार के भी इसमें वर्णन आएंगे जो रस की वृद्धि करेंगे। संत की कृपा से आज मेरे पास एक जिज्ञासा भी थी लेकिन वो छोड़ देते हैं क्योंकि ये विदग्ध माधव नाटक को प्रारंभ करने का उत्साह बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसको मंगलाचरण करके उसको हम शुरू करें। आप सभी लोग कृपा करें इससे यह हमारे हृदयंगम हो और हमें आनंद की प्राप्ति हो। आप लोगों की अनुमति लेकर आपके चरणों में प्रणाम करके श्री विदग्ध माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करके इसको प्रारंभ कर ज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया शरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संवित्तो भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम भक्वे के भगवान किए नाशत मने श्री कृष्ण
चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री राधारमणारती जय। श्री राधावल्लभ लाल जय। श्री वांके बिहारी लाल जय। जय 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 श्री राधे। श्री दग्ध माधव नाटक में कुल 7 अंक है, 7 अध्याय है। उसमें पहला ही श्लोक है, सुधानाम चांद्रीनाम अपि मधुरिमोन माद दमनी सधाना राधादि प्रणय घनसारय रचिताम समंताक संतापोद्गम विषम संसार सरणि प्रणीताम ते कृष्णाम हरतु हरि लीला शिखर। दूसरा श्लोक है, अनर्पित चरीन रात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उद्गतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरे पुरट सुंदर दुति कदंब संति कुतः सदा हृदय कंतरे स्फरतु वा शशि नवद। आदि में इसका अनुवाद और इसकी टीका भावार्थ पूज्य पिताजी श्री विजयगुरु श्यामदास जी ने किया है, उन्होंने भी मंगलाचरण किया अपना। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातम सहगण रघुनाथानं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखांता पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऊपर जो श्लोक है, सुधानाम चांद्रीनाम हरि लीला शिखरे, इसका भावार्थ कहते हैं, श्री कृष्ण लीला जो है वह शिखरिणी है और वह चंद्रमा में जो अमृत निकलता है, चंद्रमा का जो सौंदर्य है माधुर्य है उसके मान का खंडन करने वाली। और ये कृष्ण लीला की राधा आदि ब्रज गोपियों के प्रेम रूप कपूर से सुगंधित। कपूर बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। मैंने नोट किया कि मुक्ता चरित्र में भी जहां भी मुख गंध सुगंध की बात आई वहां कपूर की बात आई। अब यहां भी आप देख लीजिए, ग्रंथ आरंभ हो रहा है, प्रेम रूप कपूर से सुगंधित है। कपूर बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। कंचन धार कपूर की बाती जगमग ज्योत जले दिन राती। आरती भी अब होने लगी है, नहीं तो आरती भी हमेशा कपूर से होती। कंचन धार सोने का थाल और कपूर की बात, कपूर की जो सुगंध है, कपूर बहुत ऊंचा एंटीबायोटिक मेंथल, बहुत ऊंचा और उसकी जो सुगंधी है वो वातावरण को शुद्ध करने वाली, बैक्टीरिया रहित करने वाली बहुत ही अच्छी चीज। वह कृष्ण लीला श्री राधा आदि गोपियों के प्रेम रूप कपूर से सुगंधित है। वह कृष्ण लीला निरंतर
तीन तापों को देने वाले, संसार में भटकने वाले, तुम लोगों की तृष्णा का नाश करे, ऐसा रूप गोस्वामी पाद ने आशीर्वाद दिया है पाठकों के लिए। भावार्थ लिखते हैं, दही दूध चीनी इलायची लौंग काली मिर्च और कपूर को मिलाकर एक पदार्थ बनता है, खीर जैसा होता है ये, इसे शिखरणी बोलते हैं। ब्रज में इसको शिखरन भी बोलते हैं। शिखरणी जो है बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होता है, स्निग्ध होता है, सुगंधित होता है और ठंडक देने वाला होता है। यह गर्मी को और प्यास को बुझाता है। तो यह शिखरणी जो है इस श्लोक में श्री कृष्ण लीला को शिखरणी कहा, शिखरणी की उपमा दी गई। तेज धूप में रेतीले मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जब गर्मी से संतप्त हो जाता है और तृष्णा सुर प्यास लगने लगती है, उसका गला सूखने लगता है, तब उसे ऐसा शीतल पदार्थ सुगंधित पदार्थ भी सुख देता है। उसी प्रकार संसार में अनेक योनियों में हम जीव भटक रहे हैं और हमारे अंदर तीन ताप है। पहला ताप है आध्यात्मिक ताप, मन की चिंता और शरीर के रोग, इसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और दूसरा है आधिदैविक, जैसे भूत प्रेत ग्रह राहु शनि, ये जो पीड़ा होती है इसको आधिदैविक। और तीसरा है आधिभौतिक, आदि भौतिक ताप, जैसे सिंह का भय, सांप का भय, बंदर का चश्मा ले जाने का भय। ये तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति संतप्त हो रहा है। ये ताप तो इसे जलाते हैं ही, उसके साथ साथ ये अपनी अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर भटकता भी रहता है। यह कृष्ण लीला रूप शिखरणी तीनों तापों का नाश कर देती है, ये मन की चिंता और शरीर के रोगों को दूर कर देती है। कृष्ण भक्त कृष्ण लीला श्रवण करने वालों को भूत प्रेत शनि ग्रह कोई परेशान नहीं करता है। और आधि भौतिक में सिंह सांप जीव जंतु आदि का भय तो कोई मतलब ही नहीं है, भजन करने वाले को ये कभी कष्ट नहीं देते। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वह मानो सभी संसारी जीवों को कह रहे हैं, अरे ताप संतप्त जीवो, कृष्ण लीला का नित्य श्रवण करो, मनन करो और संसार ताप से छुटकारा पाकर शाश्वत
सुख शांति को प्राप्त कर। साथ ही यह जो कृष्ण लीला है यह भी चिन्मय है। वो कृष्ण लीला से भी कह रहे हैं कि ये कृष्ण लीला, ये कृष्ण लीले आप ही करुणा करो, जीव शायद समझे ना समझे माया में फंसा हुआ है, आप ही करुणा करो जिससे इस संसारी जीव के संताप संताप दूर हो जाए। यह पहले श्लोक का अर्थ और व्याख्या है। इसके बाद में अनर्पित चलिन चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयोज्वल सर्पां सभक्तिश्रियं परिपुरट सुंदर दुति कदंब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा शचीनंदन। शचीनंदन भगवान श्री चैतन्य की वंदना की। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनंत काल से जिसको किसी ने प्रदान नहीं किया है, बहुत लंबे समय से जिसको किसी ने प्रदान नहीं किया है, उस परम उज्जवल रसमयी अपनी भक्ति को, परम उज्जवल रसमयी अपनी भक्ति जिसको अनंत काल से किसी ने प्रदान नहीं किया है, उसको जीवों को देने के लिए जो अपनी करुणा के कारण कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, इस संपत्ति को देने के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य इस कलयुग में अपनी करुणा से अवतीर्ण हुए हैं और वह स्वर्ण की कांति से दीप्यमान, वह स्वर्ण वर्ण है, ऐसे वे श्री शचिनंदन हरि अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य देव सदा तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। ऐसे श्री चैतन्य देव हमारी हृदय कंदरा में स्फुरित हो, हृदय रूपी जो गुफा है उसमें स्फुरित हो, ये भी आशीर्वाद दिया है। का भी तात्पर्य पिताजी ने लिखा है, जिस परम उज्जवल रसमयी भक्ति को जगत को प्रदान नहीं किया गया था, इससे यह पता लगता है कि पहले कभी इन्होंने प्रदान किया था, बीच में काफी लंबा गैप पड़ गया, उसके विस्तार के लिए यह खुला है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं। वैवस्वत मंत्र की मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के शेष में ही वे स्वयं रूप से आविर्भूत होते हैं और वृंदावन में रासलीला आदि का विस्तार कर 28वीं चतुर्युगी तक जो द्वापर आता है, कई बार चतुर्युगी होती है, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में कृष्ण आविर्भूत होते हैं और उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री राधा की भाव कांति को अंगीकार कर स्वर्ण वर्ण से श्री गौर सुंदर रूप से श्री नवद्वीप में प्रकट होते हैं। तभी वे अपनी उज्ज्वल रसमयी भक्ति को जगत में प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ ये है
पहले कभी ये जो ब्रह्मा का एक दिन होगा उसमें फिर 28वीं चतुर्युगी आई होगी, फिर उसमें जो द्वापर आया होगा, फिर उसके बाद कलयुग आया होगा, उस समय कृष्ण चैतन्य ने ये भक्ति प्रदान की होगी, उसके बाद फिर ये पूरा चतुर्युगी 72 चतुर्युगी घूमी, फिर द्वापर आया, फिर जो अभी ये कलयुग आया है, मतलब इतने लंबे समय तक उस भक्ति को किसी ने प्रदान नहीं किया है, और वह प्रेम भक्ति इतने लंबे समय से लुप्त हो जाती है, और उसे ही पुनः प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप से अवतीर्ण हो, वह उन्नत उज्जवल भक्ति क्या है, इसमें स्वभक्ति कहा है। स्व माने निज विषयक, अपने विषयक भक्ति। श्री कृष्ण जिस भक्ति के विषय हैं या कृष्ण के प्रति जो भक्ति की जाती है वह है कृष्ण की स्वभक्ति। कृष्ण की प्रीति विधान पूर्वक उनकी चरण सेवा ही जीव की एकमात्र अभीष्ट वस्तु है। हम कहते हैं ना, हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, युगल लाल की चरण सेवा ही हमें चाहिए। और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उस भक्ति की संपत्ति को महाप्रभु जी ने प्रकट होके संपूर्ण जगत को प्रदान किया है। अच्छा देखो, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामान तो बांट रहा हो सकता है लेकिन उसके पास थैला नहीं होता है। रबड़ी बांट रहा है, खिचड़ी बांट रहा है, शिखरणी बांट रहा है, लेकिन गौना नहीं है, पात्र नहीं है, तो लोग हाथ नहीं ले रहे हैं, आधी फैल रही है, या घर से पात्र ला रहे हैं। महाप्रभु की एक ये विशेषता है, पात्र विचारणेन बिना, न उन्होंने पात्र देखा न उन्होंने अपात्र देखा। उन्होंने जिसके पास पात्र था उसको तुरंत रबड़ी दे दी, और जो पात्र नहीं था उसको पात्र बना दिया, या उसको तो समझिए एक कटोरी और दे दी संग में, बोले ये कटोरी ले, इसमें रबड़ी ले, दोनों चीज लेगा, वाह। तो इसलिए उनको करुणावतार भी कहा जाता है। वह भक्ति उन्नत उज्ज्वल रसमयी है। उन्नत उज्ज्वल रस, रसों में सर्वोपरि रस है मधुर रस, और मधुर रस में ही सर्वोपरि है पर किया था। तो यहां ये लिखते हैं कि श्री कृष्ण में चार प्रकार के भक्तों का प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, दास्य रस, किंतु मधुर रस में ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक ममता बुद्धि है। और जहां जितनी अधिक ममता बुद्धि हुआ करती है वहां प्रीति विधान करने की उतनी अधिक तीव्र कंठा हुआ करती है। मधुर रस सर्वोपरि है, और मधुर रस में ही कृष्ण के सुख की, कृष्ण के सर्व प्रकार की ममता बुद्धि। अच्छा ये भी यहाँ बताते चले कि दास्य में केवल सेवा होती है लेकिन एक संकोच होता है,
जैसे हमारे एक कर्मचारी में संकोच होता है, वो जब हमारे गेट पर आएगा तो नॉक करेगा और पूछेगा सर अंदर आ जाएं, सेवा तो होती है लेकिन संकोच होता है। उसके बाद जब सख्य में हम आते हैं तो सख्य में संकोच नहीं होता है, सेवा भी होती है, सखा हमारे किसी भी काम में आ जाते हैं। और हमारी सेवा भी करते हैं लेकिन उनमें संकोच नहीं होता है। हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई बंधु यदि आएगा तो वो नॉक नहीं करेगा, वो बाहर से जोर से बोलता हुआ घुसा चला आएगा और उसको ये भी नहीं रहेगा वो संकोच राहित्य सख्य में हो जाता है। तीसरा रस है वात्सल्य। वात्सल्य में देखिए सेवा होती है और संकोच राहित्य भी होता है, लालन पालन होता है और ताड़न भी होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं सख्य में केवल दास्य होता है, सेवा दास्य में केवल सेवा होती है, सख्य भाव में सेवा भी होती है और संकोच राहित्य भी होता है, परस्पर हित की कामना भी होती है। वात्सल्य में सेवा होती है, संकोच नहीं होता है, माता अपने बच्चे को नहलाती है धुलाती है उसके सारे कपड़े उतार देती है, संकोच नहीं होता है, वो उसके साथ साथ उस बच्चे का लालन पालन करती है, साथ में ताड़न भी करती है, ये बच्चा बिगड़ नहीं जाए तो जोर से एक चांटा भी जड़ देती है। शायद सख्य में ताड़न नहीं होता है, वात्सल्य में ताड़न भी होता है। और मधुर में यदि हम चलेंगे तो मधुर में सेवा होती है, मधुर में एक प्रकार से अभी अभी आप पति पत्नी को समझ लीजिए, जैसे पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी में सेवा तो होती है, पति पत्नी की सेवा करता है अर्थ कमा के और पत्नी पति की सेवा करती है उसको बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना के, सख्य भी होता है आपस में प्रेम से बातें भी करते हैं पति पत्नी, वात्सल्य भी होता है, पति जब घर से बाहर जाता है अरे सुनो ध्यान रखना समय पर खा लेना, ऐसा ना हो टिफिन रखा कर रखा रह जाए, टिफिन खा लेना ठंडा नहीं करना, दिन भर काम में लगे रहते हो, कई बार तो तुम जो टिफिन वापिस ले आते हो भरा हुआ, ध्यान रखना, फिर फोन करेगी ठीक हो ना आप पहुंच गए थे ना, ये लालन उसके कपड़े धोती है, उसके कपड़े प्रेस करके देती है, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखती है, तो लालन पालन का अंश भी होता है। लेकिन मुख्य होता है सब में नीचे वाले दोनों तीनों गुण तो होते हैं लेकिन मुख्य होता है माधुर्य। और पत्नी अंग संग द्वारा पति को शरीर का सुख भी प्रदान करती है, ऐसे ही पति ही पत्नी को शरीर का सुख प्रदान करता है। तो जो मधुर रस है उसमें चारों है, दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और मधुर रस का माधुर्य भी है। इसलिए कृष्ण की या कृष्ण के प्रति जो मधुर रस उपासक हैं उनकी सर्वाधिक ममता बुद्धि रहती है, दास्य वालों की माधुर्य बुद्धि नहीं रहती, कम रहती है, मतलब 25-25% है और माधुर्य में 100% है। दास्य में हालांकि एक शांत रस और है, तो 20-20% यदि हम लेंगे तो शांत में निष्ठा रहती है, 20% दास्य निष्ठा
सेवा रहती है 40% हो गया। सख्य में निष्ठा सेवा और संकुल 60% हो गया। वात्सल्य में निष्ठा सेवा संकुच राहित्य लालन आदन ताड़न रहता 80% हो गया। और गड़बड़ी करते हो, मैं डांटूंगी तुम्हारी, शिकायत करूंगी माँ से। कल आना देखो, कल तुम लेट आना, मैं देखती हूँ। अरे ये कपड़े उतार के फेंक देते हो, ये रोज पेंट मैली पहनते हो, ये करते हो, जूते समय पर नहीं रखते। ताड़न भी होता है पति का, और ऐसे पति भी पत्नी का ताड़न भी करता है, लेकिन मुख्य जो होता है 20% जो होता है वो होता है माधुर्य, परस्पर मधुरता मय संबंध, अंग संग द्वारा एक दूसरे की सेवा। तो माधुर्य जो है वो सर्वोपरि रस है, वो जो है सर्वोपरि रस है, तो वहां प्रीति भी सर्वोपरि होती। चारों भावों के परिकर को भगवान कृष्ण अपना मानते हैं, लेकिन मधुर भाव के परिकरों में उनमें सर्वाधिक ममता बुद्धि है, इसलिए उनमें कृष्ण की प्रीति विधान करने की सर्वाधिक तीव्र उत्कंठा भी रहती है। क्योंकि प्रीति रहती है तो सर्वाधिक उत्कंठा भी रहती है, सर्वाधिक उत्कंठा रहती है, सर्वाधिक प्रीति रहती है, तो कृष्ण की सर्वाधिक प्रेम वश्यता भी अपने मधुर भाव के भक्तों में रहती है। इसलिए गौड़ीय राधावल्लभ आदि संप्रदायों में माधुर्य को ही सर्वोपरि माना गया। यद्यपि दूसरे रसों की भी कीमत है, उपासना है, बेकार कुछ भी नहीं है, लेकिन माधुर्य सर्वोपरि। ब्रज के दास्य सख्य वात्सल्य ये चारों भाव ही निर्मल है। मल या मलिनता, अपन अपने सुख की वासना की मलिनता किसी में भी नहीं थी। एक और बात है, दास्य सख्य वात्सल्य में कृष्ण के साथ एक संबंध की अपेक्षा है। दास्य में ये अपेक्षा है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वात्सल्य में सख्य में ये संबंध है कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, और वात्सल्य में ये संबंध है कि मैं कृष्ण की माता हूँ, मैं यशोदा हूँ। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो दास्य सख्य वात्सल्य है और माधुर्य है, इसमें अधिकार केवल और केवल कृष्ण के परिकर का है। इसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। मैं जीव, मैं दासा भास, मैं कृष्ण का सखा नहीं हो सकता, मैं कृष्ण के सखा के दास का दास हो सकता हूँ। कृष्ण के सखा मधुमंगल, मधुमंगल के दास मेरे गुरुदेव, और अपने गुरुदेव का दास या सखा में दासा भाव। जीव कभी भी कृष्ण का न तो दास होता है, वह दास का दास हो। और दास्य माधुर्य में भी रहता है, ऐसे ही जीव कभी भी कृष्ण का पति नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता। यह बात भी ध्यान देने की है। यह बात यद्यपि समझ नहीं आती, और कहीं कहीं ये कह भी दिया जाता है शुरू करने के लिए कि तुम कृष्ण से कोई भी संबंध स्थापित कर लो और कृष्ण का भजन शुरू करो। शुरू में कह दी जाती है कि तुम स्कूल जाओ, तुमको रोज एक टॉफी मिलेगी वहां पर, वो टॉफी के लालच में तुम स्कूल जाओ, तुमको वहां एक खेलने का घोड़ा मिलेगा। तो घोड़ा या टॉफी या
संबंध की बात जो कह दी जाती है वो केवल आकर्षण के लिए कह जाती है कि चल तू भाई मान, पति मान, पत्नी मान, बहन मान, माता मान, पुत्र मान, मान तो सही, तू गड़बड़ी करके भी मनमानी से भी कृष्ण को भजेगा, गलत रीति से भी कृष्ण को भजेगा तो तेरे को सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जब आगे व्यक्ति पहुंचता है तो वहां इस बात का अवश्य ध्यान रहता है कि तुम कृष्ण के पति पत्नी नहीं हो सकते हो, यह शास्त्रीय बात। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, इन तीनों में कृष्ण के साथ एक संबंध की जरूरत है। इनकी श्री कृष्ण से सेवा, कृष्ण के संबंध के अनुसार चलती है, परंतु जो मधुर भाव के परिकर हैं श्री राधा आदि हैं। देखिए यहाँ राधा लिखा है, मंजरी नहीं लिखा है, जो राधा आदि हैं उनका भाव विलक्षण है, उनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण वो कृष्ण की सेवा के लिए या कृष्ण को सुख देने के लिए लालायित हो, ऐसा उनका कोई संबंध नहीं जोड़ा गया। उनकी वे बिना संबंध के ही कृष्ण को सुख देने के लिए सदा ही तत्पर रहती हैं। इसीलिए गौड़ीय परंपरा में परकिया भाव लिया गया। यदि राधा को कृष्ण की पत्नी मान लिया जाएगा, जैसा कि निम्बार्क और राधावल्लभ संप्रदाय में है, तो माधुर्य रस की उपासना भी संबंधानुगा हो जाएगी। पत्नी होने के कारण कृष्ण की सेवा करती है, ये रुक्मिणी आदि तो है, लेकिन राधा पत्नी होने के कारण कृष्ण की सेवा नहीं करती है। यशोदा माता होने के कारण कृष्ण का लालन पालन करती है। सखा कृष्ण के सखा होने के, उनमें संबंध की गंध रहती है। अरे हम कृष्ण के सखा हैं, ऐसे कृष्ण को अकेला कैसे छोड़ देंगे? अरे मैं कृष्ण की माता हूं, मैं कृष्ण को कैसे बिगड़ने दूंगी? लेकिन राधा क्या कहती है? उनके बीच में एक ही संबंध है, प्रेम। प्रेम जो है वो संबंध नहीं, केवल कृष्ण की सेवा वासना उनमें स्वाभाविक ही है, स्वभाव से ही है, और वह सेवा वासना इतनी बलवती है कि वे वेद धर्म का त्याग कर देती है, आर्य पथ का त्याग कर देती है, पत्नी को छोड़ के प्रेमी के साथ आ जाती है, सास ससुर को गोलमाल कर देती है, रात्रि में अपना घर बार छोड़ के और रासलीला में आ जाती है, महिला होते हुए भी एक पर पुरुष के साथ कृष्ण को सुख देने के लिए। तो जो माधुर्य है और माधुर्य में जो परकीयमयी सेवा है वह संबंधानुगा नहीं है, वो कामानुगा है या वो प्रेमानुगा है, उसमें केवल प्रेम है। प्रेम के कारण वो सेवा वासना करती हैं, प्रेम इसमें मुख्य है। प्रेम तो यशोदा को भी है, लेकिन यशोदा को इसलिए प्रेम है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा लाला है। तो इस जो गोपियों की उज्जवल रसमयी भक्ति है, उसी को देने के लिए श्री महाप्रभु प्रकट हुए हैं। श्री राधा की भावमयी भक्ति में जीव का अधिकार नहीं है,
सुन लीजिए इसको, बहुत लोगों को भ्रम है राधा की भावमयी भक्ति में जीव का अधिकार नहीं है, जीव श्री कृष्ण को पति या प्रेमी नहीं मान सकता, प्रेम तो कर सकता है लेकिन महाभाव स्वरूपा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा, और जीव तटस्था शक्ति है। राधा भाव की अनुगत्यमयी भक्ति में जीव का अधिकार है, उसके लिए ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया। अतः श्री राधा के परिकर के अनुगत्य में रहकर मंजरी स्वरूप से जो मधुर भाव की भक्ति है उससे कृष्ण सेवा का विधान करना है, वही उन्नत उज्ज्वल रसमयी भक्ति है जिसे श्रीमद् महाप्रभु ने ही सर्व साधारण को सर्वप्रथम दिया है। देखिए सखी भाव की सेवा पहले से थी, सहचरी भाव की सेवा पहले से थी, लेकिन मंजरी भाव की सेवा का परिचय एकमात्र महाप्रभु ने दिया है। मंजरी श्री राधा के अनुगत्य में रहने वाले परिकर मतलब श्री ललिता विशाखा, फिर उनके अनुगत्य में जो रहेगा जीव हमारे गुरुदेव, गुरुदेव के अनुगत्य में रहेंगे हम मंजरी भाव से इस माधुर्य मई परकिया भाव मई उज्ज्वल सेवा का आदर कर सकते हैं। ये जो मंजरी भाव की सेवा है इसको वितरण करने के लिए ही महाप्रभु जी का अवतार, महाप्रभु जी ने कलयुग में अवतरण किया। महाप्रभु जी के अवतार के दो कारण हैं, एक अंतरंग कारण है एक बहिरंग कारण है। ये वितरण करने का जो कारण है ये बाह्य कारण है। तो फिर अंतरंग कारण क्या है भैया? अंतरंग कारण ये है कि उन्होंने खुद जो कृष्ण की तीन अभिलाषाएं अधूरी रह गई थी, उन तीन अभिलाषाओं में जैसे राधा को मेरा माधुर्य आस्वादन करके कैसा सुख मिलता है ये कृष्ण को पता नहीं चलता था, मेरा माधुर्य कैसा है ये कृष्ण को पता नहीं चलता था, और मेरे प्रेम की महिमा क्या है, जो राधा मेरे में इतना प्रेम करती है वो प्रेम कैसा है, इन तीनों को स्वयं राधा भाव से आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य बनकर आते हैं। ये उनका अंतरंग कारण है, उसका वर्णन यहाँ रूप गोस्वामी पाद ने नहीं किया, ये मैंने संकेत में आपको बताया। इसके बाद सूत्रधार मंच पर आया। सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार वो होता है जो उस नाटक का लेखक होता है, वो सबसे पहले पर्दा लगा हुआ होता है और मंच पर आके खड़ा होता है और धीरे धीरे बताता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये मैंने क्या लिखा है, क्या प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रेजेंटर जिसे बोलते हैं। तो सूत्रधार ने कहा अरे भैया तुमने जो है ये अंतरंग बहिरंग कारण बता दिया, बहुत है, अब इतना ही ठीक है, अब ज्यादा विस्तार मत करो। ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं, अब आप सुनिए, ये सूत्रधार कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं, आज मुझे स्वप्न में ब्रह्म कुंड के तीर पर निवास करने वाले, ब्रह्मकुंड वृंदावन में है उसका तट है, उस पर निवास कौन करते हैं? भगवान गोपेश्वर, बिल्कुल ब्रह्मकुंड के बगल में ही गोपेश्वर का मंदिर है। तो गोपेश्वर महादेव ने आदेश किया है, अरे वो नृत्य कला पंडित
जो ब्रज गोपियों की चित्रवृत्ति रूप मीन के विहार करने के लिए सागर सदृश है, अर्थात श्याम सुंदर एक सागर है और गोपियों का चित्त मछली है, वो गोपियों का चित्त रूपी मछली श्री कृष्ण रूपी सागर में विहार करती रहते हैं। और जो सिद्ध पुरुषों को वेणु बजाने की विद्या को अध्ययन कराने में प्रधान अध्यापक हैं, जो प्रधान अध्यापक हैं वेणु के लिए, जो सुगंधित फूलों की सुंदरता की आधार सूर्य कन्या श्री यमुना के किनारे कोकिलों की तरह लीला विहार करने वाले हैं, ये कृष्ण के विशेषण चल रहे। जो परमानंद को बढ़ाते हुए गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन को उठाए हुए नवीन मेघ की तरह शोभा पा रहे हैं, ऐसे किशोर शिरोमणि श्री नंदन नंदन के प्रेम में आकर्षित होकर अनेक दिशाओं से अनेक देशों के रसिक संप्रदाय वृंदावन के दर्शनों की उत्कंठा से केशी तीर्थ के पास आकर केशी घाट के पास आकर उपस्थित हुई है। ये भगवान शंकर उस लेखक को स्वप्न में कह रहे हैं, सुन भाई, जो कृष्ण वेणु को बजाने में टीचर है, कोकिला की तरह से लीला विहार करते हैं, गिरिराज धारण करके मनोहर शोभा युक्त हैं, उनको दर्शन करने के लिए बहुत सारे रसिक संप्रदाय यहाँ आए हैं आज केशी घाट पर। तो धन्य है ये रसिक संप्रदाय यहाँ क्यों आए हैं? बोले वो इसलिए आए हैं कि इसी स्थान पर ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढा था और यही यमुना के पुलिनों में रास महोत्सव हुआ था। कुलपति श्री नंदनंदन के इन चरित्रों को सुनकर उनमें बारंबार सुनकर यह रसिक संप्रदाय उनके विरह में पृथ्वी पर पछाड़ खा खा कर आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए यहाँ समय गुजार रही है। अब इन रसिक भक्तों के प्राण विरह के उमड़ उठने के कारण इनके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, अर्थात बहुत सारे रसिक जन इन कृष्ण के दर्शन करने के लिए केशी घाट पर इकट्ठे हुए हैं और अब उनको विरह इतना हो गया है कि वो अब अपने प्राण त्यागने जैसी स्थिति में हो गए हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि कृष्ण के दर्शन और कृष्ण की लीला समान ही है, तुम उस कृष्ण की लीलामृत का आविर्भाव करो और इन भक्तों की रक्षा करो। मतलब लीला इनको सुनाओ, मैं कि हाँ तुम इनको लीला सुनाओ। तो बोले ये मैं कैसे सुना पाऊंगा, लेखक ने कहा कि मैं ये लीला कैसे सुना पाऊंगा। तो गोपेश्वर कह रहे हैं तुम चिंता ना करो, मेरी कृपा से सारी लीलाएं तुमको स्फुरित हो जाएंगी और तुम इनको केशी घाट पर जो रसिक लोग इकट्ठे हैं, जो कृष्ण विरह में प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं, उनको कृष्ण की लीला सुनाओ। तो वो सूत्रधार कहते हैं कि मैं इसीलिए आज इस मंच पर उन परम भक्त शिव गोपेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पर उन लीलाओं का वर्णन करता हूं। इतने में परिपार्श्विक प्रवेश करता है, मंच सजा हुआ है, पीछे पर्दा है, लेखक है,
परिपार्श्विक उसे कहते हैं जो वो जो नाटक अभी मंचन किया जाएगा उसके बारे में वो लेखक से प्रश्नोत्तर करता है, पूछता है अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, राधा ऐसा कहेंगी तो कृष्ण क्या करेंगे, संकेत में जिससे शॉर्ट में एक समरी दर्शकों के मन में आ जाए और उन्होंने जो सुना है संकेत में उसको आंखों से दर्शन कर लें, सुन के समझ लिया फिर आंखों से दर्शन कर लिया तो वो कथा पूरी तरह से बैठ जाती है। तो वो परिपार्श्विक कहता है हे मान्य आपने जो विदग्ध माधव नाटक का रचना की है गोपेश्वर की आज्ञा से उसका अभिनय करने के लिए सारे अभिनेता तैयार हैं और रंग मंच पर आने के लिए उत्सुक हैं। वो मंच पर आने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो सूत्रधार पूछते हैं अरे परिपार्श्विक उन लोगों ने सबने मेकअप कर लिया, उचित तो वेश और भूषा धारण कर ली है, अच्छा ठीक है। फिर वो कहते हैं भाई सुनिए मेरे इस नाटक में जो कविता है जो रचना है वह हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, सुंदर ना लगे, रोचक ना लगे, लेकिन कृष्ण विषयक होने के कारण, कृष्ण प्रीति होने के कारण यह आपको आनंद देगी, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया कि एक शालिग्राम शिला है उसको कुएं के जल से स्नान कराया जाए या नदी से कराया जाए या गंगा जल से कराया जाए, वो उनके स्नान का जो जल है वो भलाई खारी क्यों ना हो लेकिन हर व्यक्ति उस चरणामृत को लेके मुख में अवश्य पान करता है। तो परिपार्श्विक ने कहा हे मान्य माना हमें नृत्य नहीं आता है, नृत्य की भी निपुणता नहीं है, मेकअप वगैरह भी हमने नहीं किया है, फिर भी हम सभ्यगण की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सभ्यगण विद्या के द्वारा देवताओं पर भी जय प्राप्त करते हैं और हम नटों की तो बात ही क्या है, हम तो हमारा तो काम ही नाटक करना है। इतना कहकर अब आज इस प्रसंग को यही छोड़ते हैं क्योंकि सूत्रधार भी आ गए हैं और समय भी हो गया है और परिपार्श्विक भी आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है थोड़ी ही देर में यहां पर मंच पर नट भी आ जाएंगे जो आचरण करने वाले पात्र हैं वो भी आ जाएंगे और सभी आनंद पूर्वक हम लोगों को आनंदित करेंगे। ऐसे इस विदग्ध माधव का हम ठाकुर जी की कृपा से आप सब वैष्णवों की अनुकंपा से कल फिर ठीक 2 बजे आस्वादन करेंगे। बोलिए रूप को स्वामी पाद की जय, श्री विदग्ध माधव नाटक की जय, जय जय श्री राधे।